तो यहाँ पे जुपिटर आयन का दूसरा नाम क्या है? डायपोलर आयन। इसी का तीसरा नाम क्या है? इंटरनल सॉल्ट। देखो अच्छे क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं एसिडिक मतलब अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों प्रेजेंट है। कहाँ पर? एक अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड का मतलब इसके पास अमाइन फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड टू के एच प्लस देता है, मतलब इसके पास एसिडिक नेचर है। और नाइट्रोजन के पास पाया जाता है लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर है तो वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला लेविस बेस कहलाता है, और जो लेविस बेस होता है वह न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। इसका मतलब ये पता चल गया कि इसके पास एसिड नेचर है और बेसिक नेचर है। तो ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिड और बेसिक नेचर दोनों इक्वल अमाउंट में हो वही मेरा क्या कहलाता है? ज्यूपिटर आयन। फिलहाल अभी ज्यूपिटर आयन नहीं है, अब जो बताएंगे अब ज्यूपिटर आयन। देखो नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर, ये दो लोन पेयर क्या डोनेट कर दिए एच प्लस को हाइड्रोजन को। क्यों डोनेट किया? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को लूज किया पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन की मोटिव प्लस आ गया तो इसको इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, नाइट्रोजन इसको दो इलेक्ट्रॉन देता है और अपने पास बुला लेता है। देखो आर सिंगल बॉन्ड सी एस था तो यहाँ पर लिख दिया आर सिंगल बॉन्ड सी एस, सिंगल बॉन्ड एन एच टू था तो यहाँ पर लिख दिया सिंगल बॉन्ड एन एच टू। अब देखो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन खुद रखता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बन जाता है। तो एन एच टू के पास एक हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन गया? एन एच थ्री। यहाँ पे एन एच थ्री दिए, एरो का टेल इसके पास गया नाइट्रोजन के पास तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, एरो का हेड हाइड्रोजन के पास गया तो माइनस चार्ज डेवलप हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया? न्यूट्रल। ये बन गया एन एच थ्री प्लस। सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ था तो यहाँ सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ लिख दिए, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ओ माइनस दे दिए। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास एन आयन और केट आयन दोनों, इसी को बोलते हैं ज्यूपिटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्यूपिटर आयन। यही आयन मेरा क्या है? ज्यूपिटर आयन। इसी को बोलते हैं डायपोलर आयन। देखो ना एक पोल दो पोल, इसको क्या बोलेंगे? डायपोलर आयन। फिर नेक्स्ट कंपाउंड बोलता है कि हाँ इस वजह से अमीनो एसिड को बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब शुभधर्मी प्रकृति, मतलब जिसके पास एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी, उसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक नेचर। तो ज्यूपिटर आयन के पास कैसा नेचर पाया जाता है? एम्फोटेरिक नेचर। तो ज्यूपिटर आयन का जो शुरुआती कंपाउंड होता है उसके पास इक्वल अमाउंट में एसिड और इक्वल अमाउंट में क्या होता है? बेस। इसी में यहाँ पे लिखा है कि सेम अमाउंट में एसिडिक ग्रुप है, सेम अमाउंट में बेसिक ग्रुप है। जब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए एच प्लस को तो किस में कन्वर्ट हो गया? ज्यूपिटर आयन में। देखो दोस्तों अब हम इसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट का सिंबल हो गया पी और आइसोइलेक्ट्रिक का सिंबल क्या हो गया? आई। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का सिंबल हो गया पी आई, क्या हो गया? पी आई। तो क्या बोलते हैं सो वहाँ पीएच वैल्यू जिस पर ज्यूपिटर आयन के पास नहीं होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो दोस्त इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो चार्ज डेवलप होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज दो ही टाइप का होता है, चाहे प्लस चार्ज चाहे माइनस चार्ज, तो वही कहलाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब ज्यूपिटर आयन के पास जो अभी पॉजिटिव चार्ज NH3+ था और CO डबल ओ माइनस था, तो टर्मिनल में पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसल आउट। यही बोलता है कि नहीं है इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो नहीं इलेक्ट्रिकल चार्ज का मतलब ये नहीं होगा कि जीरो चार्ज, नहीं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, वो इक्वल होने की वजह से क्या कर देते हैं? कैंसल। इसी को बोलते हैं नॉन नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्त अमीनो एसिड का न्यूट्रल के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का जो वैल्यू होता है 5.5 टू 6.3। जब हम जानते हैं कि पीएच का वैल्यू अगर 6 और 7 हो तो न्यूट्रल, अगर 7 से कम हो तो एसिडिक नेचर और 7 से ज्यादा हो तो बेसिक नेचर। इसको इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा क्लास 11 में। तो न्यूट्रल, हां पीएच का न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का वैल्यू हो गया 5.5 टू 6.3। और एसिडिक अमीनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का वैल्यू कितना हो गया? 3.4 टू 3.5। और बेसिक अमीनो एसिड के लिए पीआई का वैल्यू 7.6 टू 7.8।